इस संवाद को मैं चाहता हूं कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला, दिशा स्थापित करने वाला बन जाए। इस दृष्टि से मैं कुछ तथ्य आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिप्पणी की थी। सन 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और अंग्रेजों की सरकार के साथ उनका वार्तालाप चल रहा था। अंग्रेजों की तरफ से जो गांधी जी से संवाद करने वाली टीम थी या उनका जो समूह था, उस समूह के जो बहुत प्रमुख लोगों में से एक, उन्होंने गांधी जी को एक बहुत खराब बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था तो कभी भी बन नहीं पाती। गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले की भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, ये गांधी जी ने कहा। तो अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी से कहा कि आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे देश को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, गांव-गांव में मैंने प्रवास किया है, वहां जो कुछ भी शिक्षा व्यवस्था के पुराने खंडहर दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भूतकाल में हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थी। उसी समय गांधी जी के साथ उन अंग्रेज अधिकारियों का विवाद हो गया और गांधी जी की गोलमेज यात्रा समाप्त होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी तरफ से एक वक्तव्य जारी किया जो लंदन के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छपा, और उसमें ये कहा गया कि गांधी जी को अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में गर्व है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई आधार और सबूत नहीं है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी। ये गांधी जी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लिहाजा हम मानेंगे नहीं कि गांधी जी की बात सही है। और इस तरह से उस पर एक बहस चल पड़ी। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने उस बहस को बंद नहीं किया और लगातार उसको जिंदा रखा। गांधी जी के जो बहुत नजदीकी लोगों में से काम करने वाले एक व्यक्ति जो इस समय भी जीवित हैं और जो भारत के बहुत प्रमुख इतिहासकारों में माने जाते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल। जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो प्रोफेसर धर्मपाल जो गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्होंने गांधी जी को पूछा कि अच्छा अब मेरा काम क्या है, आजादी आ गई, सरकार बन गई, अब बताइए मेरा काम क्या है। तो गांधी जी ने कहा कि देखो मैं 1931 में गोलमेज सम्मेलन में लंदन गया था, उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने मुझे ये कहा था कि भारत में अंग्रेज अगर नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होती, मुझे ये बात सही नहीं लगती, लेकिन मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि तुम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितने भी संभव हो प्रमाण इकट्ठे करो, दस्तावेज इकट्ठे करो, तथ्य इकट्ठे करो, और उसके आधार पर ये सत्य साबित करो कि अंग्रेजों से आने के पहले की भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। धर्मपाल जी ने गांधी जी के इस वाक्य को या गांधी जी के इस कथन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और वो भारत छोड़कर लंदन चले गए। लंदन के बाद दुनिया के कई देशों में घूमते रहे, फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे, यूरोप के देशों में 40 साल उन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया। बहुत समय तक वो पढ़ाते रहे जीविका चलाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए, लेकिन मूल उद्देश्य ये था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के आने के पहले, उसके प्रमाण एकत्रित करना, दस्तावेज एकत्रित करना और उनके आधार पर कोई अधिकार पूर्वक बात कहना। श्री धर्मपाल जी के 40 साल के अथक प्रयासों से कुछ हजार दस्तावेज मिले जो अलग अलग स्थानों से उन्होंने लिए। उनका एक साथ जब बैठकर विश्लेषण किया तो पता चला कि अंग्रेजों के आने के पहले की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक घटना घटित हुई, वो इससे बहुत जुड़ी हुई है जो मैं कहने जा रहा हूं। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये थोड़े दिन पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गए थे और इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मानद
डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। जिस दिन ये समारोह आयोजित हुआ था उस दिन मैंने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा था, सीधा प्रसारण, और उस सीधे प्रसारण में लगभग मैं 2-2.5 घंटे बैठा रहा टीवी के सामने, देखता रहा कि क्या क्या हो रहा है। उस कार्यक्रम में 40 मिनट का तो व्याख्यान हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके अलावा कुछ दूसरी औपचारिकताएं हुई। मनमोहन सिंह जी ने जो व्याख्यान दिया इस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पदवी ग्रहण समारोह में, वो बहुत ही तकलीफ देने वाला था और किसी भी स्वाभिमानी भारतीय नागरिक को नीचा दिखाने वाला था। उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत ही यहां से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर शिक्षा व्यवस्था दी, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय व्यवस्था स्थापित की, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय लोगों को विज्ञान सिखाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय नागरिकों को विज्ञान और तकनीकी का अंतर समझाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा हमें बताई, और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते रहे। अगले दिन क्या हुआ, लंदन के सभी समाचार पत्रों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये वक्तव्य छपा, और इस वक्तव्य के साथ सभी समाचार पत्रों में संपादकीय टिप्पणी भी छपी, और ज्यादातर समाचार पत्रों के संपादकीय में ये लिखा गया कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सन 1945 में भारत के बारे में ये कह दिया था कि ये देश आजाद होने लायक देश नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल लंदन में व्याख्यान देकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत आजादी के इतने साल के बाद भी अभी मानसिक रूप से गुलाम है। जिस देश का प्रधानमंत्री अभी भी अंग्रेजों के गुणगान करता हो, उस देश की प्रजा की मानसिक गुलामी की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह खूब लंबी संपादकीय टिप्पणी उस पर की गई। मेरे कुछ दोस्तों ने वो संपादकीय टिप्पणियां अलग अलग अखबारों से काट कर भेज दिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक पत्र लिखा जो लगभग 250 पेज का है, वो पत्र नहीं एक किताब हो गई, और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें शर्म आती है कि आप भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीयता का कुछ समझने की भी जीवन में कोशिश नहीं की है। भारत अंग्रेजों के पहले कैसा था, भारत की शिक्षा अंग्रेजों के पहले कैसी थी, भारत की तकनीकी और विज्ञान अंग्रेजों के पहले कैसा था, हमारा भारत अंग्रेजों के पहले उद्योग और व्यापार में किस स्थान पर दुनिया में टिका हुआ था, ये सब बातें अगर आप दस्तावेजों के आधार पर जरा समझें और जाने तो बहुत अच्छा होगा, आप अगली बार ऐसा गुलामी का वक्तव्य देने से बचेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने ये जो पत्र लिखा, ये पत्र मनमोहन सिंह के कार्यालय में पहुंचा और एक लाइन का उत्तर आया कि आपका पत्र मिला और हम उसको कार्यवाही के लिए भेज रहे हैं। अब कहां भेज रहे हैं कार्यवाही के लिए, मैंने तो लिखा था हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और उसमें पत्र तो एक ही पन्ने का था, बाकी 249 पन्ने के तो दस्तावेज जो ये सिद्ध करने के लिए मैंने उनके पास भेजे कि आप पहले इन दस्तावेजों को पढ़ें और देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले का भारत कैसा था, शिक्षा व्यवस्था के स्तर पर, तकनीक और विज्ञान के स्तर पर, उद्योग और व्यापार के स्तर पर, हर स्तर पर, चिकित्सा व्यवस्था के स्तर पर, जहां तक भी संभव हो मैंने उसमें जानकारी दी। उसमें से एक हिस्से की छोटी जानकारी मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और जिस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी उस समय यूरोप की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा काम जिन्होंने किया है वो कुछ अंग्रेज ही है। एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आया जो लगभग 40 साल यहां रहा, उसका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम बहुत उच्च स्तर का अधिकारी था, अंग्रेजों की जो संसद का एक हिस्सा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें बहुत दिनों तक वो सांसद था, और भारत में उसको बहुत उच्च स्तर का अधिकारी बनाकर भेजा गया था। उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वायसराय को कोई सुझाव दे दे
तो वॉयसराय उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था। विलियम एडम इस स्तर का अधिकारी था। उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधिकारी थे, जिनमें से एक था मैकॉले, टीवी मैकॉले। मैकॉले की तो आपने बार बार चर्चा सुनी है, बार बार नाम भी सुना है, लेकिन विलियम एडम के बारे में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये मैकॉले का बॉस था। मैकॉले भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने इमीडिएट बॉस विलियम एडम को भेजता था। तो विलियम एडम ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट लगभग 1700 कुछ पन्ने की है, 1780 पन्ने हैं उस रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट संसद में पेश की गई, संसद माने अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश की गई, और इस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। विलियम एडम की रिपोर्ट में से कुछ तथ्य मैं आपको देता हूं जो इस समय अंग्रेजी संसद के रिकॉर्ड्स पर हैं। आप जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी बहस होती है वो सभी रिकॉर्ड में रहती है, और जो रिकॉर्ड में आ जाती है वो उनका डॉक्यूमेंट्स बन जाती है, दस्तावेज बन जाती है। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक प्रेस है जिसको हंसार्ड कहते हैं, वो जरूरत पड़ने पर समय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स को प्रकाशित करती रहती है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर विलियम एडम की रिपोर्ट, जिसमें जगह जगह पर मैकॉले की दी गई टिप्पणी, मैं पहले मैकॉले की एक छोटी सी लाइन आपको सुना देता हूं। मैकॉले और विलियम एडम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों उन्होंने बात की है। एक दिन रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी, ये टीबी मैकॉले 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर भाषण दे रहा है और कह रहा है कि मैंने भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मैंने भारत का नहीं देखा है, और मैंने भारत का बाहरी क्षेत्र भी देखा है, आंतरिक क्षेत्र भी देखा है। देखने के बाद मैं जो कह रहा हूं आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको कहूंगा, उसको मैं अपने अंदर रोक नहीं सकता। सत्य क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि संपूर्ण भारत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में घूम लेने के बाद उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, आई हैड ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ माने सब भारत मैंने देख लिया, मैंने पूरा भारत देख लिया, और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि भारत देश में आज तक कहीं भी भिखारी देखने को नहीं मिला, कोई बेरोजगार आदमी देखने को नहीं मिला, गांव के किसी कोने में किसी स्थान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जो किसी पर पराश्रित हो। आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1835 में वो बोल रहा है, आज से लगभग आप कल्पना करें तो 170 साल पहले बोल रहा है। तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिखारी नहीं था, जरा ध्यान से सुनिए इस बात, कोई भिखारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। फिर वो कहता है टीबी मैकॉले कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं, पेरिस देखा है, बर्लिन देखा है, हैम्बर्ग देखा है, मॉस्को देखा है, फ्रैंकफर्ट देखा है, शिकागो देखा है, न्यूयॉर्क देखा है, लंदन तो अपना है ही, बार बार देखा है, लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ति भारत के एक शहर से भी बहुत कम है। तो उसको पूछा गया प्रश्न कि बताओ वो कौन सा शहर है, तो कहता भारत का एक शहर सूरत, और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में, तो भी सूरत इन सभी पे भारी पड़ता है, इतनी संपत्ति, इतना धन मैंने उस शहर में देखा है। और वो कहता है कि इतना धन और संपत्ति जिस समाज के पास हो उस समाज को गुलाम बनाना एकदम मुश्किल है। वो ये कहता है, मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन मुश्किल बहुत है। फिर वो कहता है कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि अगर भारत को गुलाम बनाना हो तो इनका वैभव, इनका धन, इनकी संपत्ति को खत्म करो। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद उसको पूछ रहे हैं कि भारत का धन, भारत का वैभव और भारत की संपत्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है, तो कहता है भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो। वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के कारण है।
तो कोई सांसद पूछ लेता है कि अच्छा बताओ भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो कहता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला सत्य यह है कि यहां निरक्षरता नहीं है, माने लिटरेसी कंप्लीट। तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है, तो कहता है दक्षिण भारत में लिटरेसी 100% है। दक्षिण भारत का माने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कहता है दक्षिण में तो 100% है, पश्चिम भारत में 98% है, 98% है, उत्तर भारत में लगभग 82% के आसपास है, मध्य भारत और बचे हुए भारत में लगभग 87% के आसपास है। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग भारत साक्षर है। उसी समय एक दूसरा सांसद खड़ा होकर पूछता है कि अच्छा आप ये बता सकते हैं कि इंग्लैंड की स्थिति क्या है, तो उनका ये मैं तो नहीं बता सकता, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं वो बताएं। तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं कि जब भारत की साक्षरता लगभग 100% है, उस समय इंग्लैंड माने 3 राज्यों का समूह, अभी जिसको आजकल ब्रिटेन कहा जाने लगा है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और न्यू साउथ वेल्स मिला के, तो वो कहते हैं कि ये जो 3 राज्यों का समूह है जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, इसमें कुल साक्षरता 17% भी नहीं है, 17% भी नहीं है, 17% माने 17। तो फिर पूछ रहे हैं कि भाई कारण क्या है इसका, भारत में इतनी साक्षरता और हमारे यहां कुछ भी नहीं। तो वो कह रहा है टीवी में कॉले कि इस समय भारत में 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, राजस्व वाले गांव। तो नॉन रेवेन्यू वाले, उसने कहा वो मुझे नहीं मालूम। वो कह रहा 7,32,000 राजस्व गांव हैं और ऐसा एक भी राजस्व गांव नहीं है जहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो फिर उसको प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत के लोग इसको स्कूल कहते हैं, तो उनका नहीं नहीं मैंने कहा है स्कूल, भारत के लोग इसको गुरुकुल कहते हैं। उसने गुरुकुल को स्कूल में ट्रांसलेट किया है। बाद में वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुरुकुल के बराबर हो, तो मैं स्कूल कहता हूं। तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है 2 फरवरी 1835 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारत के 7,32,000 गांवों में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर गुरुकुल ना हो। इसका अर्थ क्या है? हर गांव में एक गुरुकुल है। फिर उसको पूछा गया इस गुरुकुल में क्या होता है, तो उनका पढ़ते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं? तो उसने कहा सबसे बड़ा गुरुकुल मैंने देखा है वो 20,000 विद्यार्थियों का है, और जो सबसे छोटा गुरुकुल मैंने देखा है वो 200 विद्यार्थियों का है। माने जो गुरुकुलों के बड़े होने का अंदाजा हम लगाना चाहें तो 200 विद्यार्थियों से लेकर 20,000 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपास। फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल है, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समूह है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है? तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरुकुलों में मॉनिटोरियल एजुकेशन होती है। मॉनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते हैं कि आचार्य ने किसी विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया, मान लीजिए उसमें 50 विद्यार्थी, अब वो 50 विद्यार्थी अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे, और वो 50 विद्यार्थियों ने जिनको पढ़ाया वो उनसे अपने नीचे वालों को पढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं कि एक आचार्य अगर है और उसके साथ 50-60 विद्यार्थियों का समूह है जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं, तो वो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल आराम से संभालते हैं। और उसने परिभाषा दिया है कि जो आचार्य 20,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को संभालते हैं उनको भारत में कुलपति कहा जाता है। कुलपति, कुलपति माने 20,000 विद्यार्थियों के समूह की शिक्षा व्यवस्था करवाने वाला व्यक्ति, उसको कुलपति कहा जाता है। फिर उसको पूछा गया है कि ये जो गुरुकुल चलते हैं इनमें विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग के हैं? तो वो कहता है कि भारत के नागरिक 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो कहता है कि ये सभी विद्यार्थी इन समूहों में से आते हैं।
तो एक अंग्रेज उसको पूछ रहा है कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज्यादा शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। वो कहता है नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि ब्राह्मणों के लिए भी शिक्षा है, वैश्यों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है और शूद्रों के लिए भी है। तो फिर उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम परसेंटेज में ये बता सकते हो कि ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, शूद्र कितने हैं। तो वो कहता है कि दक्षिण भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें शूद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है और पश्चिम भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें वैश्यों और ब्राह्मणों की संख्या लगभग बराबर है और उत्तर भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रियों की है और बाकी जो तीन हैं ब्राह्मण वैश्य और शूद्र ये लगभग बराबर हैं और मध्य भारत में लगभग सब बराबर है। तो कुछ लोग चौंक जाते हैं, वो ये कहते हैं ये कैसे संभव है कि शूद्रों की संख्या दक्षिण भारत के गुरुकुलों में सबसे ज्यादा है। तो वो कहता है शूद्रों की ही नहीं, दक्षिण भारत के गुरुकुलों में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिण भारत के गुरुकुलों में लगभग 58% लड़कियां हैं और 42% लड़के हैं। तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में, तो कहता है कि इट क्वाइट नेचुरल, ये स्वाभाविक है क्योंकि दक्षिण भारत में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। और वो कह रहा वैसे तो भारत में सभी जगह लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सेंसस कराया, पहला जनसंख्या सर्वेक्षण कराया, तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है, महिलाएं लगभग 53% हैं और 47% पुरुष हैं। तो वो कह रहा है कि गुरुकुलों में दक्षिण में लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ती हैं। फिर वो पूछ रहा है कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक हैं, तो वो कहता है कि वो सब महिलाएं ही हैं, लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुष हैं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं हैं। तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या, तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों के साथ उच्च अध्ययन केंद्र जुड़े हुए हैं जहां पर इन अध्यापकों को तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद वो गुरुकुलों में पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। हर गुरुकुल के साथ एक उच्च अध्ययन केंद्र है। फिर उसके साथ पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ भारत के इन स्कूलों में, माफ करो गुरुकुलों में क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो वो गिना रहा है कि 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किस विषय पर जोर दिया जाता है, तो वो कहता है कि भारत के गुरुकुलों में सबसे ज्यादा गणित पढ़ाया जाता है। तो ये गणित कौन सा पढ़ाया जाता है, तो वो कहता है वैदिक गणित पढ़ाया जाता है। तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं कि हमारे यहां एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो उनका भारत वाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी ज्यादा रुचि भी नहीं है, वो वैदिक मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि लेते हैं। फिर दूसरा कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है गणित के बाद, तो कहता दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा विषय है खगोल शास्त्र, इसको सब भारतवासी पढ़ते हैं। फिर तीसरा कौन सा विषय है, तो वो कहता है मेटलर्जी माने धातु विज्ञान। फिर चौथा कौन सा विषय है, तो वो कहता है कि कारीगरी, कारीगरी माने जो विभिन्न तरह की कारीगरियां गांव में रहती हैं, हमारे सभी गांवों में 18 तरह के कारीगर होते हैं, कोई लोहे का काम करने वाला, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई बांस का काम करने वाला, कोई मिट्टी का काम करने वाला। तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों में ये कारीगरी पढ़ाई जाती है, 18 विषय उसमें अलग है। फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विषय बताओ, तो कहते हैं वो कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स समझते हैं, मॉडर्न साइंस का विषय है और भारत में 1835 में सभी गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। फिर और क्या पढ़ाते हैं, तो कहते हैं रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। रसायन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं, तो कहता है चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में क्या विषय है, तो वो कहता है औषधि विज्ञान एक है और शल्य क्रिया दूसरा है।
माने सर्जरी है और मेडिसिन है, और ऐसे ऐसे करके वो 18 विषय को गिनाता है। तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे संभव है कि भारत के विद्यार्थी ये 18 विषय पढ़ लेते हैं। तो वो बताता है कि भारत के विद्यार्थियों को गुरुकुल में जब प्रवेश मिलता है तो वो सामान्य रूप से 5 वर्ष के होते हैं, और जब वो गुरुकुल से पढ़कर निकलते हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्ष की होती है। लगभग उनको इतना समय मिलता है 15 साल का जितने में वो सब पढ़ लेते हैं। तो फिर उनको पूछा गया कि ये विषय कैसे पढ़ाए जाते हैं, रोज पढ़ाए जाते हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, रोज नहीं पढ़ाए जाते, एक एक करके पढ़ाए जाते हैं। एक एक करके पढ़ाए जाते हैं माने एक विषय लिया और उसको पूरे 1 साल पढ़ाया, या 8 महीने पढ़ाया, या 9 महीने पढ़ाया। जब वो पूरा हो गया तब उसको छोड़ा, फिर दूसरा विषय लिया, फिर तीसरा विषय लिया, ऐसे करके 15-16 साल में सब विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर वो पूछ रहा है परीक्षा कैसे होती है? तो उनका भारत में परीक्षा होती नहीं है, परीक्षा नहीं होती है। तो कैसे पता चलता है? वो पूछ रहे हैं बहुत सारे एमपीज के इवेल्युएशन का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो आचार्य और शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों को जब एक विषय पूरा पढ़ा देते हैं तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए, हुनर को परखने के लिए कुछ काम उनको दे दिए जाते हैं। वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तय होता है। ये नहीं है कि क्लासरूम में बैठकर 3 घंटे का कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्लासरूम में रट लिया है और आंसर शीट पर वॉमिटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भारत में। उसने मजाक में कहा है लेकिन ये गंभीर है समझने के लिए। तो उसको पूछा गया है कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी इंग्लैंड की स्थिति क्या है, अगर ऐसी शिक्षा भारत में है तो इंग्लैंड में? तो कहता है जी इंग्लैंड में तो अभी 70% ही साक्षरता नहीं है। और वो कह रहा है कि जब भारत में 7,32,000 गुरुकुल है तो पूरे इंग्लैंड में कुल मिलाकर 240 भी स्कूल नहीं है, और जो स्कूल है उनमें गणित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है, वो एक ही विषय पढ़ाते हैं और वो है बाइबल, और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तो मैंने इंग्लैंड के पिछले 400 साल के इतिहास के दस्तावेज इकट्ठे किए, तो पता चला कि इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी तक तो कोई भी स्कूल नहीं था। आप जरा ध्यान से सुनना इन बातों, 16वीं शताब्दी तक तो कोई स्कूल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई है तब उनके यहां एक स्कूल खुला था, चर्च के पिछवाड़े में, गैरेज में, गैरेज समझते हैं जहां गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, एक गैरेज हुआ करता था जो मुश्किल से 15-20 फीट लंबा, 15-20 फीट चौड़ा, लंदन के एक चर्च में है। ये लंदन में आप कभी जाएं तो उनका जो स्क्वायर है जहां पर उनकी पार्लियामेंट है उसके बगल में वो चर्च आज भी है, तो उसकी पीछे के हिस्से में छोटे से में स्कूल खुला था जो उनको पढ़ाता था बाइबल। तो बाइबल पढ़ाने वाले स्कूल उनके यहां शुरू हुए, उसके पहले तो कोई स्कूल ही नहीं था। तो इंग्लैंड और यूरोप के इतिहास क्या बताते हैं शिक्षा के बारे में, तो आप जरा सोचो और सुनो। यूरोप का जो सबसे बड़ा इतिहासकार, सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़ा सब कुछ, जो यूरोप में भगवान के अगला अवतार माना जाता है, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो सबसे महान, वो ये कहते हैं ये तो ईश्वर का ही अंश है, माने ईसा मसीह के बाद यूरोप में अगर किसी की इज्जत है तो वो प्लेटो की है। प्लेटो के बारे में यूरोप के सारे अर्थशास्त्री, सारे के सारे दूसरे शास्त्री, चाहे वो फिजिक्स वाले हों, केमिस्ट्री के हों, बॉटनी के हों, जूलॉजी के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के, सब मानते हैं द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। मतलब यूरोप की पूरी सभ्यता जो है ना प्लेटो के फुटनोट जैसी है, माने प्लेटो ने जितना कुछ लिख दिया है वो किसी पुस्तक के फुटनोट में अगर है तो उतनी ही पूरी यूरोप की सभ्यता है। मतलब यूरोप की सभ्यता का जनक प्लेटो ही है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से 2 का जिक्र करता हूं। एक पुस्तक उसकी जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हुई है, द रिपब्लिक, गणतंत्र, और दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में, लॉज, LAWS, लॉज।
ये दो किताबें प्लेटो की सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी पढ़ाई जाती है, बहुत चर्चा होती है। द रिपब्लिक में प्लेटो लिखता है कि शिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती, शिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती। समाज का जो प्रभु वर्ग है, प्रभु वर्ग से मतलब सरकार चलाने वाला वर्ग, राजा और राजा के नजदीक, इन्हीं को शिक्षित होना चाहिए, बाकी को शिक्षित होने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? तो वो कहता है कि राजा और राजा के नजदीक का जो वर्ग है उसको आदेश देना है, बाकी को तो सब उस आदेश का पालन करना है, तो जो आदेश के पालन करता है उनको शिक्षित होने की क्या जरूरत है? शिक्षा की जरूरत तो सिर्फ राजा को है और राजा के नजदीकी लोगों को है। ये जो प्लेटो ने कहा, प्लेटो के बाद जो दूसरा उसका ग्रेट 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 फिलोसोफर या उसका ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कहता है कि मेरा जो गुरु बोल गया है उसी पर मैं सहमत हूं, शिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती। समाज का जो प्रभु वर्ग है, माने जो संचालन करता है राज्य का, उसके राजा मंत्री, मंत्रियों के नजदीकी अधिकारी, बस इनको पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं। अरिस्टोटल के बाद जितने भी फिलोसोफर आए हैं, और लेटेस्ट रूसो, देकार्ते, लेविनिट्स, ये सब अपनी अपनी किताबों में लिख रहे हैं शिक्षा की जरूरत किसी को नहीं होती, अगर जरूरत है तो थोड़ा राजा को है। माने यूरोप में प्लेटो के समय से चली हुई विचारधारा आज 18वीं शताब्दी के सभी दार्शनिकों तक सतत चली आई है, शिक्षा सबके लिए नहीं है, सिर्फ राजा के लिए और प्रजा के लिए। प्रजा को जरूरत नहीं है शिक्षा की, राजा के नजदीकी लोगों को जरूरत है। तो फिर ये शिक्षा कैसे पूर्ति की जाए? तो प्लेटो लिखता है रिपब्लिक पुस्तक में ही कि राजा को अगर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवानी है, या खुद को शिक्षा लेनी है, या उसके मंत्रियों को शिक्षा दिलवानी है, तो इसके लिए स्कूल नहीं चाहिए, कोई शिक्षक को पकड़ लाइए, राजा को महल में आके पढ़ा देगा। कोई शिक्षक को पकड़ लाइए, राजा के बच्चों को उसके घर में पढ़ा देगा। कोई शिक्षक को पकड़ लाइए, मंत्रियों को वहां पढ़ा देगा, स्कूल की क्या जरूरत है? तो फिर प्लेटो को कई बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है कि स्कूल क्यों नहीं चाहिए, तो कहता ये फालतू का खर्चा है। वो ये कहता है स्कूल बनाने से अच्छा है एक बनाओ ऐसा स्थान जहां पर मनोरंजन हो सके, स्कूल की क्या जरूरत है? घर में आके कोई पढ़ा देगा, क्या जरूरत है स्कूल की? तो इसलिए इंग्लैंड में, इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में 16वीं 17वीं शताब्दी तक एक भी स्कूल नहीं खोला गया।